गेमिंग है तो KRG है। सो वेलकम गेमर्स, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूँ KRG गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ 4G के अर्ली एक्सेस की, कि ये गेम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड इस गेम के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। साथ ही मैं आप सभी मुझे नीचे बता देना कि आपने इस गेम को अगर प्ले करा है तो आप इस गेम को कितनी रेटिंग्स दोगे आउट ऑफ 10। एंड मैं बताऊँ तो मैं इसको दूंगा 7.5 की रेटिंग। इस गेम के अंदर आपको मल्टीप्लेयर सेटअप देखने को मिल जाएगा, बट अभी अर्ली एक्सेस है तो इस वजह से आप इसको मल्टीप्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर आपको फीडबैक जरूर से भेज देना है गेम के रिगार्डिंग, जो भी आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए वो आप जरूर से पता देना एनकोर की टीम को। सो इससे यार गेम डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड दोस्तों, मैं इसकी सेटिंग्स की बात करूँ तो सेटिंग्स के अंदर आपको इसके अंदर ग्राफिक्स सेटिंग्स को इंप्रूव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ग्राफिक्स मैं अल्ट्रा के ऊपर सेट कर देता हूँ। एंड बाकी आप इसमें FPS को भी चेंज कर सकते हो 60 एंड अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड मैं सेट कर देता हूँ ताकि मैं इस गेम को हाई पीक कैपेसिटी के ऊपर खेल सकूँ। अदर सेटिंग ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें आपको साउंड यहाँ पर सेट कर सकते हो, आप SFX सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर बाकी कंट्रोल्स देखे जाए तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल को मैनुअल और ऑटो दोनों पर रख सकते हो। एंड सेंसिटिविटी को भी थोड़ा चेंज आउट कर सकते हो। देन हम यहाँ पर गेम हम परफॉर्म कर लेते हैं। एंड 5V TDM का जो ऑप्शन था पहले वो लॉक था एंड वो अब अनलॉक हो चुका है। साथ में आपको ये लोड आउट स्क्रीन आपको किस गेम की है याद दिलाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी वाली फील हो जाती है। एंड यहाँ पर जो आपको मैप देखने को मिलता है ये एक बाजार मैप है जो कि काफ़ी बड़ा मैप है। एंड इसके अंदर आपको लोकल साइंस देखने को मिल जाएंगे जो कि लोकल थीम्स होती है आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5v5 का मोड है। एंड इसके अंदर अभी आपको AI बोर्ड्स ही देखने को मिलेंगे अपने अपोनेंट्स में एंड आपकी टीम के अंदर, एंड आप एक रियल प्लेयर रहोगे। बाकी आप यहाँ पर लोड आउट के अंदर 6 आपको लोड आउट देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप स्विच कर सकते हो। एंड मैंने अभी यहाँ पर एक सेट कर लिया है। सो यहाँ पर स्पॉन होने के बाद में आपकी टीम यहाँ पर वही सब कुछ करती है जैसे एनिमी टीम को यहाँ पर आपको हराना है। एंड आपको 40 किल्स का टारगेट दिया जाता है, 40 किल्स जो पहले कंप्लीट कर लेगी टीम वो यहाँ पर विन कर जाएगी। एंड यहाँ पर आपको 10 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है TDM के अंदर। एंड इस मैप के अंदर आपको राजस्थानी थीम ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जो कि आप हाउसेस देख सकते हो, जो कि होटल्स बिल्डिंग्स हैं वो सारे आपको राजस्थानी थीम में देखने को मिल जाएगी। एंड जो स्काई का कलर है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड स्काई के अंदर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि बर्ड एनिमेशन है। एंड वॉल्स के ऊपर आपको कोविड से रिलेटेड भी सूचना देखने को मिल जाएगी जैसे मास्क, एक सावधानी एंड और भी जगह आप देखते हो तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको आगे एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। एंड गेम के अंदर इंडियन पुराने व्हीकल्स को भी दिखाया गया है जैसे ओमनीवैन, स्कूटर एंड ट्रक, जो कि आजकल आपको कम ही जगह पर देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर गेम के अंदर लाए गए ताकि आप जो पुरानी चीज़ें उनसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर सको। एंड जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ये आपको एज इट इज राजस्थान के अंदर भी सिचुएटेड है, जो कि मैंने खुद ने भी एक्सप्लोर करी हुई है। मार्केट के अंदर आने के बाद में आपको इंडियन आर्ट एम्पोरियम एंड यहाँ पर और भी दुकानें देखने को मिल जाएगी जैसे सीट कवर एंड इंडियन स्ट्रीट फूड से रिलेटेड भी आपको शॉप देखने को मिल जाएगी जैसे गौरव पानी, पताशी भंडार, रिया होटल एंड आइसक्रीम शॉप्स। इस तरह की आपको मार्केट वाली फील फुल देखने को मिल जाएगी गेम के अंदर। अब दोस्तों, गेम प्ले की बात करते हैं और साथ में इसके मैकेनिज्म की भी। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स की। एंड कंट्रोल्स को मैं यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि कंट्रोल्स को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर किसी बंदे को किल करने के लिए स्कोप इन करता हूँ तो स्कोप इन करने के बाद में मेरा जो स्कोप है वो एक जगह पर स्टक हो जाता है, वो मूव करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब ये थोड़ा आप सेंसिटिविटी को भी यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर सेंसिटिविटी के भी इतने ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर गेम के अंदर आप जो कंट्रोल्स हैं उनको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड गेम प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन थीम से जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है कि एक रिलेटेबल गेम है जो कि मैं इंडिया के अंदर ही बना हुआ है एंड उसी को मैं प्ले कर रहा हूँ। साथ में मुझे यहाँ पर जो वॉइस ओवर हिंदी में सुनने को मिल रहे हैं वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी गेम प्ले के बारे में बात करूँ तो गेम प्ले में जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पर काफ़ी सही है, बट यहाँ पर फिनिशिंग टच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो कि इस गेम के ग्राफिक्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाएगी। एंड बात करूँ गेम के कॉन्सेप्ट की तो गेम का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है। हमें कभी भी इस तरह का कोई बाजार वाला गेम देखने को नहीं मिला है जिसमें इंडियन मार्केट का लुक दिया गया हो। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह से इस गेम के अंदर जो थीम लाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड इस तरह के स्ट्रक्चर गेम के कॉन्सेप्ट से आपको काफ़ी हद तक जोड़े रखेगा। एंड इन द लास्ट मेरा रिव्यू क्या है इस गेम के ऊपर, सो दोस्तों मैं इस गेम को 7.5 की रेटिंग्स देना चाहूँगा। एंड मुझे गेम के अंदर जो चीज़ें कुछ पसंद नहीं आई मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। गेम के ग्राफिक्स जो कि मुझे काफ़ी लगा कि अब इन और इम्प्रूव हो सकते थे एंड काफ़ी बेटर हो सकते थे। एंड साथ ही में गेम के जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ है एंड उसको ऑप्टिमाइजेशन की सख्त ज़रूरत है। एंड यहाँ पर मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी हमें जल्दी देखने को मिल जाना चाहिए ताकि जो भाई हम बॉट्स हैं उनके साथ ना खेल कर अपने रियल फ्रेंड के साथ में खेल सके। एंड चैट का सपोर्ट भी इसके अंदर जल्दी जल्दी मिल जाए, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है जिनकी वजह से मैं इसको 7.5 की रेटिंग्स दे रहा हूँ। बाकी आप सभी के क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। एंड दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।